बाणासुर एक बार भगवान शिव की शरण में गया और कहा, प्रभु आपने मुझे ये पहाड़ जैसा शरीर दे दिया है और हजारों जो भुजाएं दिए हैं, अब इनमें खुजली होती है, कोई योद्धा बताइए, अब हमें युद्ध करना है। अब इतनी भुजा पाकर के अभिमान आ गया कि इन भुजाओं का मैं क्या करूं लेकर के। भगवान शिव ने तो उसको भुजा दी थी तांडव नृत्य कर करके मुझे रिझाने के लिए और भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए। आज ये कहते हैं कि आप मुझे कोई योद्धा बताइए। किसी भी भक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए, किसी भी इष्ट का, किसी भी देव का दुरुपयोग न करें, गलत फायदा नहीं उठाना, नहीं तो स्वयं भस्म हो जाओगे। भस्मा तो किधर है, चाहे तुम कितनी भी तपस्या कर रहे हैं, अगर गलत उसका सोच रखते हैं तो आपको नुकसान होगा। पूजा आपको लाभ भी देती है तो उल्टा सोचने वालों को नुकसान भी देती है, ये ध्यान रहे। बाणासुर ने सोचा कि हम तो मैं बड़ा 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 पहलवान बन गया, बड़ा योद्धा बन गया, मुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध करके पहलवानी गिरी करके नाम कमाना चाहिए, यश कमाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे बाणासुर, तू मेरा भक्त होने के बावजूद भी अभिमानी हो गया, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को नीचे लेकर जाता है, पतन की ओर लेकर के जाता है। जब वो ये कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो पतन का रास्ता ढूंढता है। शिव ने कहा, बाणासुर तेरी बाहों में अगर ज्यादा खुजली हो रही है तो क्या तू समझता है कि तू मेरे से युद्ध करेगा, मेरे से युद्ध चाहता है क्या? इन दैत्यों का कोई भरोसा नहीं, अपने स्वामी से भी युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। आपको पता है जब राम रावण को मार करके आए तो उस समय जामवंत भी थे ना, तो राम जी ने सबके लिए उपहार दिया, जिसने जो मांगा, जो जो मांगा सबको दिया। जामवंत की जब बारी आई तो जामवंत ने कहा, प्रभु मुझे आपका ये उपहार नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, तो आप और क्या चाहिए, जो मांगो तो बताइए, वो देंगे आपको। बोले, प्रभु बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा इतना विशाल शरीर, इतना बड़ा शरीर, बलवान, लेकिन मुझे मेरे समान योद्धा कोई रावण के यहां भी नहीं मिला, जब उसका तो नाम था। और अब मेरी बाहों में बड़ी खुजली हो रही है, मैं युद्ध करना चाहता हूं, कोई योद्धा नहीं मिला, तो मेरी विनती है कि आप ही मेरे से दो दो हाथ कर लीजिए, जरा आप ही मेरे साथ में युद्ध कर लीजिए। भगवान श्री राम समझ गए कि इसके मन में अभिमान आ गया अपने बल का। जिसके मन में अपने बल का अभिमान आ जाए, जिसके मन में अपने रूप का अभिमान आ जाए, धन का अभिमान आ जाए, सुंदरता का अभिमान आ जाए, परिवार का अभिमान आ जाए, पुत्र का अभिमान आ जाए, अभिमान तो सारे के सारे बेकार ही हैं, तो काम खराब हो गया। जो कुछ है वो सब कुछ देन भगवान की तो है। ये शरीर का उपहार लेकर के हम संसार में आए, माता पिता की रज के कारण, और वहां से आने के बाद जब संसार में आए तो संसार में तो सब कुछ मिला, संसार में ही हमें घर मिला, संसार से हमें धन मिला, संसार से ही व्यवहार मिला, संसार से ही प्रेम मिला, संसार से ही दुश्मनी मिली, संसार से ही सब कुछ तो मिला। फिर जिसको हम अपना कह रहे थे, कहते हैं कि ये हमारा है, रूप हमारा है, बल हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, तो फिर क्यों छोड़ जाते हो, एक दिन चले जाते। तो संसार में है तो हमारा कुछ नहीं,
फिर भी अभिमान जरूर करता है जीव के, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि है कुछ नहीं। कितने वीर आए, कितने बलवान आए, नाम तो रह जाता है लेकिन धीरे धीरे नाम भी मिट जाता है। संसार में आकर के जो बुरे कर्म करता है, गलत मार्ग पर चलता है, मरने के बाद कुछ दिन तक ही उसका नाम रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला संसार से जाने के बाद भी सदा सदा के लिए अपना नाम अमर करके जाता है। अब प्रमाण के लिए देख लीजिए, आप मीरा को देखो, भगवान की भक्ति करके ही तो नाम कमाया, आज भी नाम अमर है मीरा को, कितने लोग गाते हैं। प्रहलाद को कितने लोग जानते हैं। केवल भगवान की भक्ति का ही प्रताप एक ऐसा है, संसार से जाने के बाद भी सदैव नाम अमर होता है। चाहे हम कितना भी दान कर दें, चाहे हम कितना भी भंडारा लगा दें, चाहे हम कितना भी अन्न दान कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन संसार में कितने लोग चले गए, कितने वीर, कितने पहलवान, कितने रूपवान, कितने बलवान, सब इस धरती के ही इस गोद में बैठे हैं, इस पृथ्वी की गोद में बैठे हैं, इस पृथ्वी पर समा गए हैं। कितने वीर इस धरा पर समा गए, कितने आने को तैयार बैठे हैं, कितने जाने को तैयार बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा बाणासुर, तुम्हें कह रहा था कि जामवंत की खुजली मिटाने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि मैं जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तब तेरी इस कामना को पूरी करूंगा। तो भगवान ने जब कृष्ण बने तो वो गए, स्मंतक मणि का बहाना मिला, चोरी का लगा, कृष्ण को कलंक लग गया झूठा। तो उस समय जाकर के जामवती के पास में वो मणि निकली और लाकर के स्मंतक मणि को उस राजा को दिया, सत्राजित राजा को, और कलंक धोला। उसी प्रकार से बाणासुर ने कहा, जामवंत भी समझ गया कि मेरे बल को क्षीण करने वाला, मेरे बल को संभालने वाला, मेरी शक्ति को संभालने वाला कोई ईश्वर ही हो सकता है और किसी का बस का नहीं है। बाणासुर ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके जैसा कोई बलवान मिल जाए योद्धा, तो मेरी बाहों की खुजली मिट जाएगी। भगवान शिव ने कहा रे बाणासुर, ये मेरा दिया हुआ उपहार है, तुझे पच नहीं रहा है। कई लोगों को ना प्रेम नहीं पचता, कई लोगों को धन नहीं पचता, कई लोगों को अपना रूप भी नहीं पचता। तो जो नहीं पचता है ना, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जिसका सम्मान किया जाता है, वह आपको सही फल देगा। बाणासुर ने कहा कि प्रभु आपके दी हुई प्रसाद में समझता हूं, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, खुजली बहुत होती है, रहा नहीं जाता, पत्थरों से मुक्के मार मार करके अपनी खुजली को मिटाता हूं, पहाड़ पर्वतों में मुक्के मार मार करके अपना बल अजमाता हूं, लेकिन पत्थर भी फूट जाता है, पत्थर भी टूट जाता है, वह भी मेरे बल को क्षीण नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा बाणासुर जाइए अपने महलों में जाकर के आराम करिए, और जहां तेरा अस्त्र शास्त्र है, जहां तेरा शस्त्र घर है, वहां जिस दिन बहुत वायु के वेग से घिर जाए, अर्थात बहुत हवा चले, तेरे शस्त्र नीचे गिर जाएं, तो उस दिन समझ लेना कि तेरे मारने वाला कोई वीर अब पैदा हो गया है।
और तुझे अपने बाहों का इतना अभिमान हो गया है, तो जा। अकौड़े की आकड़ा समझते हैं, आख अर्क समझते हैं ना, अर्क की भांति की लकड़ी की जैसे तेरी सारी भुजाएं टूट टूट करके नीचे गिर जाएंगी, तेरा अभिमान चूर चूर हो जाएगा तेरी बाजुओं का, जब सब तथ्य जो है सब समाप्त हो जाएगा। बाणासुर आया, वहां अपने शस्त्रशाला में सो रहा था, वहां जोर से चारों तरफ से कमरा बंद था और वहां भी हवा का प्रकोप होने लगा, हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, धुआंधार। अगर मान लीजिए यहाँ बिना पंखा एसी चलाए हुए चारों तरफ से बंद हो और खूब हवा चले तो आप क्या समझेंगे, ये कौन है, ये क्या हो गया, कोई प्रकोप होगा, कोई साया होगा, कोई भूत प्रेत का साया होगा। वैसा ही प्रकोप होने लगा, वायु का प्रकोप सहन नहीं हुआ, उसी समय सारी हजारी हजारों भुजाएं टूट टूट करके नीचे गिर पड़ी और बाणासुर का अभिमान नष्ट हो गया। अब इस कथा से हमें एक ही बात समझ में आती है कि निरंतर भगवान के भजन में सहज रहना चाहिए, किसी की भी सेवा में सहज रहिए, आक्रोश में, क्रोध में, प्रवेश में, ईर्षा में, द्वेष में, जलन में, इसका कारण तो पतन का ही है, वो कुछ नहीं बचता, सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।